उधर यूक्रेन के ताबड़तोड़ हमलों से बौखलाए रूस एक बार फिर से ज़ापोरिज़्या न्यूक्लियर पावर प्लांट को निशाना बना रहा है। रूस के मिसाइल हमले में 7 लोग मारे गए। यूक्रेन के साथ जंग में रूस को मिल रही शिकस्त से बौखलाए राष्ट्रपति पुतिन ने एक नया फरमान जारी किया है। उन्होंने यूक्रेन के ज़ापोरिज़्या न्यूक्लियर पावर प्लांट पर दोबारा कब्जे के आदेश दिए हैं। इस पर अमल करते हुए रूसी सेना ने ज़ापोरिज़्या पर मिसाइल से हमला किया जिसमें 7 लोग मारे गए। ज़ापोरिज़्या रीजनल मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन के प्रमुख अलेक्जेंडर स्टारुख ने कहा कि रूसी मिसाइल हमले में मरने वालों की संख्या बढ़ सकती है। यूक्रेनी अधिकारियों का आरोप है कि रूस जानबूझकर नागरिकों को निशाना बना रहा है। यूक्रेन के विदेश मंत्री दिमित्री कुलेबा ने कहा कि रूस ने कम से कम 7 मिसाइलें दागी जिसमें अपार्टमेंट में अपने घरों में सो रहे यूक्रेनी नागरिक मारे गए। यूक्रेनी सूत्रों के मुताबिक हमले के बाद 5 लोग लापता हैं जबकि 21 लोगों को रेस्क्यू किया गया है। पुतिन ने यूक्रेन के जिन 4 इलाकों का रूस में विलय किया है उसमें ज़ापोरिज़्या भी शामिल है। फिलहाल दक्षिण यूक्रेन के ज़ापोरिज़्या न्यूक्लियर पावर प्लांट पर यूक्रेन का कब्जा है। अगर इस पावर प्लांट पर हमला होता है तो रेडिएशन पूरे यूरोप में तबाही मचा सकता है।